नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज। तो इसकी एक वीडियो पहले डाल दी थी और साइंस का हम साइंस में ट्रिक दोस्तों ये करते हैं हम, तो 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। 10 मिनट की वीडियो होती है, तो बस ये आज हम करेंगे विषाणु से जनित रोग, यानी कि जो विषाणु यानी वायरस से जो भी रोग होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं साइंस में। आप चाहे किसी भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, दोस्तों सब में ये पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपसे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए साइंस की बना दी जाएगी, एग्जाम से पहले आप जरूर देख कर जाएं। 10 मिनट में आपके एक दो क्वेश्चंस जरूर आपको मिल जाएंगे, एक दो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो अब हम देखते हैं पहले तो जो वायरस है दोस्तों, वायरस से जनित रोग, तो इसके ट्रिक पहले देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक? रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। पहली ट्रिक है दोस्तों, रचना से कहा, रचना एक लड़की है, उसका नाम है रचना। एक लड़की का क्या नाम है? रचना। रचना से आप लोगों ने कहा कि रचना हमें पानी दो, बड़े प्यार से आपने कहा रचना हमें पानी दो जरा। उसने क्या कहा? ये ले विष पी, यानी जहर पी। तो अब इससे ही ट्रिक आपको बनानी है, आप मेरे साथ बोलना रचना हमें पानी दो, रचना हमें पानी दो जरा, जल्दी से बोलें रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। लिखें मेरे साथ इस तरीके से, रचना रचना हमें पानी दो जरा। अब उसने क्या क्या कहा रचना ने? ये ले विष पी, ये ले विष पी, विष पी यानी कि जहर पी, पानी मत पी, जहर पी। जहरी है बीमारी है, तो मैं जहरी हो जाएगा बीमारी। अब चलो, रचना से कौन कौन सी हो जाएगी? रैबिज, रा से रैबिज, इससे रैबिज, छ से चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, कौन सा? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, छ से चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, एच से कौन सी हो जाएगी? हेपेटाइटिस, एम से मिजल्स यानी कि खसरा, मिजल्स यानी कि खसरा, ई से इबोला, ई से कौन सी हो जाएगी? इबोला, इबोला वायरस जो आपने सुना होगा, इबोला बीमारी है। पानी में पोलियो, पानी में क्या हो जाएगा? पोलियो। दो से डेंगू यानी कि ड से डेंगू, जरा में जेड, जेड से जिंका, आर ए, ए से दोस्तों क्या हो जाएगा? एड्स, और बिस से विषाणु, आपको याद रखना है। एक और हमने इससे पहले कराया था क्या? जीवाणु। क्या जीवाणु की ट्रिक कराई थी, वो आपको याद है? याद है तो जल्दी से कमेंट में लिख दें क्या है जीवाणु की ट्रिक, तो आप जल्दी से बताएं। पंडित जी का टीका नया है यानी कि न्यू है, सगी बेटी जो रिया को लगाया है, यही तो ट्रिक थी, वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से किए थे। और जिन भी साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे ऊपर वाली वीडियो उसी की है, तो उसको आप देख लें प्लेलिस्ट में। तो अच्छा, अब हम चलते हैं इनको देखते हैं। तो रेबीज पर पहले हम ध्यान देते हैं, रेबीज। तो रेबीज होती कैसी है बीमारी? रेबीज में किस तरीके से ये बीमारी फैल जाती है रेबीज? तो जब कुत्ता काट ले किसी को, कुत्ता काट लेगा तो रेबीज होने की पूरी संभावना, उसको रेबीज हो जाता है, कुत्ता काटने से रेबीज हो जाता है। उसी के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, जो कुत्ता काट लेता है आपने देखा होगा कि उसके लिए इंजेक्शन लगती है दोस्तों, तो वो वैक्सीन होती है। तो कौन सी वैक्सीन? जो कुत्ते काटती है दोस्तों, रेबीज के लिए वैक्सीन किसने खोज की थी दोस्तों, किसने बनाई थी वैक्सीन? लुईस पाश्चर। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वैक्सीन जो रेबीज के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। किसने की थी दोस्तों? लुईस पाश्चर। अब जब ये रेबीज हो जाएगा तो इसके जो सिम्टम है क्या है? जल से डर यानी पानी से डर लगने लग जाए। किससे? पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगने लगता है, क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोफोबिया। कुत्ता काटने से हो जाती है कौन सी? रेबीज। अब वायरस कौन सा है इसमें? तो रेप्टो वायरस। रेप्टा पड़ेगा कुत्ता काटेगा, तो रेप्टो वायरस, इस तरीके से याद करें, रेप्टो वायरस, रेबीज, रेप्टो, इस तरीके से नियम एकदम सेम।
आपको दोस्तों याद नहीं करने, ऑप्शन देखते ही आपको टिक कर देना है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। जब रेबीज आएगा पूछेगा कौन सा वायरस होता है, ऑप्शन में आपको रेप्टो वायरस दिखेगा, टिक लगाकर आपका नंबर हो जाए। अब रेबीज हो गया, अब इसके बाद चलते हैं पॉक्स। पॉक्स दो तरह के, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, पहले चिकन पॉक्स देखते हैं। इसको दोस्तों छोटी माता कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी माता। चिकन पॉक्स को ही छोटी माता कहते हैं। और वायरस कौन सा होता है, ये होता है वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस। अब स्मॉल पॉक्स देखते हैं, चेचक या बड़ी माता कहते हैं। स्मॉल नाम स्मॉल है लेकिन बड़ी माता है, ये चीज याद रखें, नाम तो इसका स्मॉल है लेकिन इसको बड़ी माता कहते हैं, और नाम, और ये क्या है, चेचक। वेरिसेला वायरस, ये सेला, ये योला, सेला योला, सेला योला, यानी कि स्मॉल पॉक्स किससे, वेरिसेला वायरस। वैक्सीन किसने बनाई थी इसकी, एडवर्ड जीनर, ये पूछा जाता है दोस्तों। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने खोजी थी, एडवर्ड जीनर ने। और शरीर पर लाल लाल दाग बन जाते हैं दोस्तों, शरीर पर लाल लाल हो जाता है, दाने निकल आते हैं, वो ये पॉक्स। और जो चेचक है इसको दोस्तों भारत मुक्त हो गया इससे, जो मुक्त WHO ने चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया है इंडिया को, यहाँ पर अब ये बीमारी नहीं होती है। कैसे दोस्तों, ये जो फ्री किया जाता है वो किस तरीके से, किसी कंट्री को हम फ्री करते हैं, WHO फ्री करता है, हम क्या करेंगे, WHO फ्री करता है किस तरीके से, लगातार 3 साल से, लगातार 3 वर्ष से वो बीमारी का एक भी पेशेंट नहीं मिले, देखे एक भी मरीज नहीं मिले तो वो मुक्त हो जाता है उस बीमारी से। दोस्तों ये थे आपके रेबीज और पॉक्स। अब हम चलते हैं हेपेटाइटिस, मिजल्स, एबोला, पोलियो, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम इनके बारे में जानेंगे, जैसे डेंगू दिया हुआ है, तो डेंगू का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसको, डेंगू को क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। इसका भाग क्या होता है डेंगू का, मादा एडीज मच्छर, क्या होता है, जो फीमेल, मादा किसको बोलते हैं, फीमेल, जो एडीज मच्छर होता है यही फीमेल ही काटती है दोस्तों, एडीज मच्छर, सही है, डेंगू का एडीज मच्छर। कहाँ पर होता है ये एडीज मच्छर, साफ पानी और रुका हुआ पानी हो वहां पर ये मच्छर हो जाता है। प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं इसमें, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, RBC और WBC और प्लेटलेट्स यही तो होती हैं, तो इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। और इसका समय भी होता है जो डेंगू मच्छर काटता है उसका, जो सूर्य उदय से दोस्तों 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से कई घंटे पहले काटता है ये। तो अब हम देखते हैं मिजेल्स को, वायरस का नाम क्या, मोरविली, वायरस का नाम क्या, मोरविली, मिजेल्स, मोरविली। बुखार, शरीर पर लाल दाने और खांसी हो जाती है मिजेल्स में, क्या, बुखार, शरीर पर लाल दाने और खांसी, मिजेल्स यानी खसरा। अब दोस्तों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एड्स, इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो इम्यून है दोस्तों वो रोग को से लड़ने की क्षमता को नष्ट कर देता है, यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको कमजोर कर देता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। और जो एड्स डे है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, कब, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। अब जो इसका जो भाग है यानी किसके द्वारा ये होता है, ये वायरस किस तरीके से फैलता है, तो ये HIV वायरस होता है, ये दोस्तों जो HIV वायरस है वो ही एड्स बनाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या इसके फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक फुल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कई बार पूछा गया ये एग्जाम में, बार बार किसी भी से बनते हैं दोस्तों क्वेश्चन, टेस्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, एड्स से, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों, एड्स का टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब ये कैसे फैलता है दोस्तों, संक्रमित सुई, कोई सुई को संक्रमित, संक्रमित रक्त हो, असुरक्षित यौन संबंध हो और छूने से नहीं होता है, जैसे किसी को एड्स है दोस्तों उसको टच कर लें तो उससे नहीं फैलता, छूने से ये नहीं फैलता, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कब बनाया था, 1 दिसंबर को एड्स डे। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, मैं साथ साथ बोलते हुए चले, रोग भाग क्या, HIV के फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। टेस्ट कौन कौन से, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट।
और ये आपको पता ही है। अब पोलियो के बारे में हम बात करते हैं, तो पोलियो की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, ओवल पोलियो वैक्सीन। ओवल पोलियो वैक्सीन खोज किसने की, जॉन साल्क और सेविन ने। जॉन साल्क और सेविन ये पूछा जाता है दोस्तों, जॉन साल्क और सेविन। 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया था, कब चलाया गया पल्स पोलियो अभियान, 1995 में, दोगुन जिंदगी की दोस्तों पल्स पोलियो अभियान था 1995। 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया, 2014 में। अभी हमने आपको बताया था मुक्त कौन करता है, WHO, वो बताता है दोस्तों कब तक, जब तीन वर्ष तक कोई भी मरीज उस बीमारी का नहीं मिले तो वो मुक्त हो जाता है देश उससे। पहला शहर कौन सा हुआ, वेल्लूर तमिलनाडु, कौन सा, वेल्लूर तमिलनाडु, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब फ्लू, फ्लू दोस्तों दो तरीके, फ्लू स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। तो स्वाइन फ्लू में H1N1 कौन सा वायरस है, H1N1। बर्ड फ्लू में H5N5, ये आपको पता होना चाहिए H1N1 और H5N1। तो ये वायरस भी पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, और श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे को ये प्रभावित करता है। तो अब हम और दो तीन रह रहे हैं उनके बारे में और जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे COVID-19 कोरोना वायरस, क्या कहते हैं इसको, कोरोना, कोरोना। तो वायरस कौन सा, SARS-CoV-2। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और जो वुहान शहर है चीन का, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ये भी पूछा जाता है, जो भारत की वैक्सीन है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। तो भारत की वैक्सीन कौन सी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। आई फ्लू, गुलाबी आंख हो जाती है, जब आई फ्लू होता है तो गुलाबी आंख हो जाती है, जो आंखों का कलर है वो गुलाबी हो जाता है। और ये वायरस जो होता है वो कौन सा, इस वायरस का कौन सा नाम है, एडिनो वायरस, कौन सा, एडिनो वायरस से आई फ्लू हो जाता है, एडिनो वायरस से। एबोला, इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसमें, एबोला में शरीर के अंदर रक्त का रिसाव होता है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर वायरस से जो भी होने वाली बीमारियां थी, रोग थे, वो सभी इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके जो जीवाणु हैं उनसे भी हो गए, विषाणु वाले भी हो गए, और विटामिन भी करा दिए। ये सभी आप वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। थैंक यू।